नमस्कार दोस्तों, अब जब यूपी चुनाव के पहले दौर में चंद दिन बाकी हैं, तब एक बार फिर से चर्चा होने लगी है एम फैक्टर की, मुस्लिम फैक्टर की, मुसलमानों का रुख क्या होगा। ये चर्चा और सवाल इसलिए भी क्योंकि कल ही असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिमी यूपी की 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली किस्त, पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने भी पहले दौर के लिए 53 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें 14 मुस्लिम हैं। कांग्रेस की तरफ से भी मुस्लिम, समाजवादी आरएलडी की पूरी लिस्ट तो नहीं आई लेकिन उसमें भी कई मुस्लिम उम्मीदवार। तो मुसलमानों का रुख क्या होगा? क्या मुस्लिम वोट एकजुट होकर किसी दल विशेष के साथ होंगे? क्या बीजेपी को हराने के लिए कुछ सीटों पर मुसलमान एकजुट होकर वोट करेंगे, या असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार 9 सीटों पर जैसे आए आने वाले वक्त में 80-90 सीटों पर और आएंगे, अगर क्योंकि ओवैसी ने ऐलान किया था कई महीने पहले 100 सीटों पर लड़ेंगे तो वहां मुसलमान ओवैसी की तरफ झुकेंगे, और अगर ओवैसी यूपी की 100 सीटों पर लड़ेंगे तो मुसलमानों का रुख उन सीटों पर कोई समीकरण बदलेगा? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तलाशते हुए आज मैं कई इलाकों में घूमता हुआ, अभी मैं पश्चिम यूपी के मेरठ ज़िले के किठौर विधानसभा इलाके में हूँ। मेरठ ज़िले की 3 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार के नाम तय किए हैं, और यहाँ आते हुए कुछ लोग कुछ खेलते हुए दिखे। क्या खेल रहे हो भाई आप? क्या खेल रहे हो? कौड़ी। कौड़ी 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 खेल रहे हो? तो कौड़ी तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो अच्छा 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 4 कौड़ी है, बाकी ये लिमका का या कोका कोला का ढक्कन है। अब ये भीड़ आप लोग क्यों आ गए? आप लोग थोड़ा पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए। तो क्या टाइम पास मनोरंजन, टाइम पास मनोरंजन है। कौड़ी खेलने वाले भाई साहब तो यही हम बैठ जाते हैं। तो ये कौड़ी खेल रहे हो, कितनी कौड़ी चाहिए खेलने के लिए? 4। 4 ही चाहिए जी। अब बाकी सब ये ढक्कन है? बाकी सब ढक्कन। तो आप बताओ, यहाँ चुनाव है और किठौर जो इलाका है ये इलाका मुस्लिम बहुल भी है, और किठौर में शाहिद मंजूर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मंत्री रहे 3-3 बार 2012 तक, कैबिनेट मंत्री भी रहे 2012 के चुनाव तक, 3 बार जीते, उनके पिता भी 5 बार यहां से विधायक हैं। जी जी, इस बार जो लिस्ट आई है उसमें ओवैसी साहब के उम्मीदवार भी यहां 2022 के चुनाव के लिए हैं। जी, तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ ये खेलते हुए, जो ये 4 तो ढक्कन है जी, जी, जी। और 4 कौड़ी है। बस अखिलेश की जीत चल रही है जी यहाँ भी, अखिलेश समाजवादी पार्टी, यहाँ तो सीधी सी बात है कोई भी हो पार्टी की, आदमी कोई भी हो पार्टी अखिलेश की हो बस समाजवादी पार्टी। क्यों भाई अखिलेश की क्यों, ओवैसी साहब की क्यों नहीं? नहीं ओवैसी साहब की से क्या फ़ायदा, जो बात चाहिए टक्कर की बात है, कांटा जो है टक्कर का है, वो जातवाद का नहीं है, देश के आगे बढ़ाने की बात है। कौन कहाँ पहुँचा रहा, अब लाइनों में लगे हैं, धक्के खा रहे हैं, हमारा पैसा हम ही पीछे पड़े हैं, बुड्ढे वहाँ धक्के काट रहे हैं, 5 आदमी अंदर बाड़े हैं, 10 बाहर बैठे बीमार, काम के बुरे हाल हैं, अभी लॉकडाउन से निकले नहीं, दोबारा फिर लॉकडाउन की संभावना, बुरे हालों से गुजर गए। वो सब तो बीजेपी सरकार है, लॉकडाउन जरूरत भी होती है कोरोना में, देखो मैं भी मास्क लगा के, पहले भी आई जी बीमारी, अब से पहले भी आई। दूसरी बात, हम हैं मुस्लिम, जो मौत जहां आनी है जैसा आनी है वो आनी आनी है, उसमें कोई नहीं है। हाँ ठीक है बचाव करना चाहिए, लेकिन किसी भी हालात में कहीं भी कोई खुशहाली नज़र आ नहीं रही। अब ये बैरिगेड लगा रखे हैं पुलिस वाले, यहाँ लगा रखे हैं, जगह जगह लगा दिए, अब शराब की तस्करी ना हो, फैक्ट्री बंद करवाओ ना, तस्करी इनकी इनसे रोकने से थोड़ी रुकेगा कोई, चोर सा कह रहे हो चोरी कर ले और वहाँ फिर जाके वह पहरा दे रहे हो। अगर बंदी करनी है तुम्हें, शराब रोकनी है करनी है, तो इन्हें क्यों यहाँ बैठा रखे, उन फैक्ट्रियों की बंद कर दो ना। अच्छा शराब की बात तो चलो अलग है, मैं जरा चुनाव पे आता हूँ। इस बीच देखिए अब कैमरा देखने एक दिक्कत है, क्या 5 लोगों से बात कर लिए करने के लिए रुके तो 25 लोग घेर कर खड़े होते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, अचानक भीड़ लग गई बहुत ज़्यादा, थोड़ा पीछे होइए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा मोहम्मद नुसरत है जी। मोहम्मद नुसरत जी, मैं तो आया आपके खेल में, यहाँ बाधा तो नहीं डाल दिया आप लोग? नहीं नहीं सर, कोई बाधा नहीं, वेलकम है आपका। कितनी देर से कौड़ी खेल रहे हो? हमें पूरा दिन हो जाए जी, अब तो सुनो, अब तो इसने जो ये बीजेपी की सरकार है इसमें पूरे दिन हो जाए जी, जब से लॉकडाउन लगा है सर जी। ये कैसे कौड़ी खेलते हो, फेंको जरा, डाल डाल क्या आया जी? टें आई जी, टें टें एक ये कैसे, एक आई टें मतलब पीठ के बल, देहाती भाषा
अच्छा, अब ये तीन है सर। तो तीन टे है। हाँ, तीन हो गए, अब ये तीन चलेगा। नहीं तो टे एक बोलते हैं। हाँ, और... एक टे दो तीन चार। नहीं नहीं तो तीन को तीन टे भी बोल सकते हैं। नहीं, नहीं, वो भाषा बना रखी है। अच्छा, ये आगे अब हमारे एक एक टे। अच्छा, और ये आएंगे अब, ये भाई आएंगे, ये आएंगे अब देखो, अब फिर आएंगे, इनकी टाइम पड़ रही है, अब टाइम पड़ रही है, आठ आएंगे आपके, आठ गेरो अखिलेश जी की टाइम पड़ रही है। चलिए, टेम हो गए, टेम बोलना मतलब दूसरा मतलब, बिल्कुल बल्ले बल्ले है, बिल्कुल बल्ले बल्ले है अखिलेश की, आपके टेम बोलना मतलब टेम बोलना होता है। नहीं, आपका तो बल्ले बल्ले है। क्यों भाई बल्ले बल्ले क्यों है? बल्ले बल्ले ही है, अखिलेश जी ने बढ़िया काम किए हैं जनता के लिए, पूरी पूरे हिंदुस्तान के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अखिलेश जी ने वो काम किए हैं कि शायद हमारी 60 साल की उम्र में आज तक किसी सरकार ने किए नहीं है। आप नेता हो क्या समाजवादी पार्टी? मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। मजदूर आदमी ऐसे बोल रहे हो, देश के लिए सब अखिलेश जी ने किए, प्रधानमंत्री रहे क्या अखिलेश जी कभी? अखिलेश जी प्रधानमंत्री नहीं रहे, बाकी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मुख्यमंत्री रह के देश भर के लिए कैसे कर दिया? देश भर के लिए बढ़िया काम किया है उन्होंने। अरे मुख्यमंत्री यूपी का देश के लिए कैसे कर? पूरे देश के लिए बढ़िया काम किया है उन्होंने। महाराज क्या बात कर रहे हो, ऐसी भक्ति भी मत चढ़ाओ। यूपी का मुख्यमंत्री पूरे देश के लिए क्या करेगा? यूपी के लिए तो करा ही करा है, और आने वाले समय में शायद परवरदिगार उन्हें प्रधानमंत्री बना दे। अब चलो, अब आगने वाला अभी तो मुख्यमंत्री की लड़ाई है। आप भी एकदम परम भक्त लग रहे हो अखिलेश जी के। इंशाल्लाह मैं परम भक्त हूँ, सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। तो अभी तो लड़ाई मुख्यमंत्री की है, प्रधानमंत्री अभी कहाँ जा रहे हो, दूर की कौड़ी है अभी, अभी कौड़ी खेल रहे हो, दूर की कौड़ी मुहावरा जानते हो आप? हाँ, दूर की भी जानता हूँ। तो कौड़ी फेंको जल्दी, लाओ जी दिखाइए भाई। चार आ गए, चार आ गए, चार हो गए, चार बन गए, बन गए, चार बन गए। टे हुआ कि नहीं इसमें? अभी अभी नहीं हुआ, फिर चार आ गए। चार बोले अखिलेश, चार चार जी, चलिए अखिलेश जी की। अच्छा, तो ये कौड़ी खेल, बहन जी को वोट दूंगा और बहन जी के शासन में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी समाजों के लिए, कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। बहन जी के शासन में उत्तर प्रदेश में, या अखिलेश की जीत चल रही है, या मायावती कहाँ रिल गई, या मायावती कहाँ गई है, दूर दूर तक भी नहीं मायावती है, दूर दूर तक कैसे नहीं है बहन जी? बहन जी चार बार सीएम रही है उत्तर प्रदेश की, मायावती का, और बहन जी और समाज के लिए साफ है। अखिलेश का, अखिलेश जी जो है आपके पूर्व भरमार से सरकार ला रहे हैं, और बहन जी का भी सुपड़ा साफ है, और ओवैसी का है। नहीं नहीं, नहीं किसी के ऐसी नहीं। एक बात क्या लिखा है, इनके पास है, और अब की बार सारे एग्जिट पोल फॉल हो जाएंगे। और बहन जी, बहन जी का हाथ, हेलो हेलो, आप कहीं रैली में चले जाओ, यहाँ ऐसे जिंदाबाद के नारे मत लगाओ। अरे नारा मत लगाओ यहाँ पे। आपके बहन जी का हाथी मदमस्त चाल चलेगा, और जो है बहन जी विधानसभा में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम करा, सर्वजन हिताए और सर्वजन सुखाए। चल, ये मुसलमान है पर हम बीजेपी को वोट देंगे। एक मिनट, क्या बीजेपी को वोट देंगे हम? अच्छा, हाँ, क्या शुभ नाम? और सरकार सलमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान देंगे, दिलवाएंगे भी। कैसे मतलब? किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे काम कौन सा गलत हुआ है? ये तो बीमारी, तो बीमारी तो ऊपर वाले का हुआ है। कोई योगी बीमारी की बात कर रहा है? नहीं, योगी और मोदी थोड़ी ना, सुनो, योगी और मोदी ने बीमारी थोड़ी बाड़ी है। अगर मान लिया कोई और सरकार होती तो इतना ना हो पाता। सरकार 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 बीजेपी की आनी है, चाहे कितने जोर लगा लो कोई भी। अरे सरकार जिसकी आनी हो 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन पहले एक सेकंड, पहले जो आप अचानक आप करो हम वोट देंगे, हम मुस्लिम हैं, आमतौर पर ये माना जाता है कि मुस्लिम बीजेपी के वोटर नहीं है, वोट नहीं देते। कुछ देते होंगे, आप देते हैं, कुछ और देते होंगे, लेकिन 100 में से 1 हो गया। नहीं तो 100 में से 1 ये क्यों है? हमारी 13 वोट है, 100 में से 1 भी नहीं कहूंगा मैं, आंकड़ों पर। 13 वोट बीजेपी पे जाएंगे। कितने? बीजेपी पे 13 वोट हमारे, 13 के 13 बीजेपी पे जाएंगे। 13 मतलब आपके परिवार जी? मैं औरों का नहीं। क्यों? एक लाइन बता दो जी, एक लाइन बता दो क्यों। मतलब हमें अच्छा लगा काम। अच्छा, कोई बुरा थोड़ी करा है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को राशन मिल रहा है।
इस सरकार में सबसे ज्यादा, मतलब ऐसा कैसे 10 किलो ज्यादा मिल रहा है? नहीं नहीं, मतलब कि जो राशन का मामला है मुसलमानों को मिला है, ऐसा नहीं कि हिंदू को मिलना है। फकीर बना दिया जी, पूरा देश फकीर बना दिया, लाइन में नाज पे लुटा दिए। शुरू में कहा था मैं फकीर हूँ, सुनिए, शुरू में कहा था मैं फकीर हूँ, अब पूरा देश फकीर बना दिया, ये भी फकीर हो गए। आप लोग नारा मत लगाइए, आप लोग नारा मत लगाइए, एक मिनट रुकिए। आप देखिए फिर भीड़ जुट गई और सब आदमी उस फ्रेम में आने की जद्दोजहद करने लगते हैं। चूंकि ये चौराहा और सड़क है, इस बीच इनकी कौड़ी का खेल भी खराब हो गया। भाई साहब आप कौड़ी फेंकते रहो। अब ये बताओ, एक सेकंड रुकिए, हो गया आपकी बात सुन लिया, आते हैं आपके पास फिर। आपका शुभ नाम? मोहम्मद राशिद। तो राशिद जी, मैं तो ये समझने आया था कि मुसलमानों के बीच क्या चल रहा है। ओवैसी के उम्मीदवार यहाँ से किठौर से आ गए, मेरठ में 3 सीटों से हैं, अभी और लिस्ट उनकी आनी है। सपा के शाहिद मंजूर यहाँ से 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके पिता भी 5 बार रहे। 2017 में बीजेपी का कब्जा हो गया इस सीट पर, इस बार शाहिद मंजूर ये अखिलेश वाली पार्टी याद हो। क्यों जी, हम तो इसी पसंद करते हैं अपनी पार्टी को। ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी जी उम्मीद नहीं है जीतने के, बेशक मुसलमान हो, हमारी पार्टी वे है, मुसलमान भाई है हमारा, अच्छी बात है, पर वो जीता नहीं जी, दोनों ही हार जाएगी, फिर आधी बोर्ड इंडिया बढ़ जाएगी, आधी इंडिया बढ़ जाएगी, बीजेपी हो जाएगी। तो इस वजह से बीजेपी को नहीं चाह रही, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम चाहते हैं अखिलेश की पार्टी बने, अखिलेश सीएम बने। कोई भी हम तो कोई से भी मुसलमान आ जाओ इस पार्टी से, कोई भी आ जाओ या हिंदू आ जाओ, पर देगा हम अखिलेश को जी वोट। आप क्या कहते हो, युवा हो पीछे एडिडास वाले आ गया? हमारी परचून की, हमारी परचून की दुकान है, हर रोड लॉकडाउन, लॉकडाउन पूरे 2-3 महीने बंद रही थी दुकान। अरे लॉकडाउन तो जरूरी है, हम भी मास्क लगाए हुए हैं, लोग मरते इतने, बीमारी नहीं है जी, बीमारी है ही नहीं। नहीं नहीं, ये गलत फहमी मत करो, ये मूर्खतापूर्ण बात मत करो कि बीमारी नहीं, हजारों लोगों की मौतें हुई, यूपी में भी हुई, देश भर में हुई, अभी भी हो रही है, इसलिए ये बात मत कहो मूर्खतापूर्ण बात। बीमारी फैली हुई है, आपका भाई साहब जरा आगे आओ, आगे आओ। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अकरम खान है। अकरम खान साहब, चुनाव में जरा राय शुमारी के लिए निकला हूँ, बीजेपी, ये भाई साहब बीजेपी के पक्के वाले समर्थक निकले, अच्छी बात है, इनको बीजेपी अच्छी लगती है, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को वोट दिलाएंगे और अपनी विधेय में हम इस चीज़ को नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात है कि बीजेपी जो भी कर रही है तो भेदभाव बहुत ज़्यादा करती है, जात बिरादरी का, हिंदू मुसलमान क्या है। एक बात बताइए कि अब से पहले हिंदू और मुसलमान देश में नहीं रह रहे थे? अब से पहले भी, जब से बीजेपी नहीं थी उससे पहले भी तो हिंदू मुसलमान देश में थे, या इन्हों के आने से ही हिंदुओं को हिंदू की पता चलिए कि मैं हिंदू हूँ और मुसलमानों को ये पता चलिए कि ये हिंदू मुसलमान है? बताइए आप। नहीं तो ये बताओ, चलो बीजेपी के बारे में आपकी राय मैं समझ गया, लेकिन ये बताओ फिर सपा और MIM BSP उसमें किधर? एक चीज़ है, BSP भी है, सपा भी है, और ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का तो अभी ये है कि ओवैसी साहब तो अभी चले हैं यूपी में के लिए, ठीक है जी, अभी उनकी इतनी वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन बसपा और सपा इन दोनों की तो लहर चल रही है अब दोनों की। तो लहर में आप किधर हो? अब इस टाइम तो देखो जी, वैसे तो हम BSP के थे, अच्छा जी, लेकिन माहौल को देखते हुए इस टाइम अपनी सीट से हम सपा को समर्थन कर रहे हैं जो गठबंधन की है। अच्छा, एक मिनट रुकना, आप यहाँ रुक रहे हैं बीच में, जो जाते हुए लोगों को रोकते हैं जरा, वहाँ भीड़ लग गई, देखिए यही होता है, कैमरा खोलो, 4 आदमी से 20 आदमी कब आ जाते पता नहीं चलता। आपका क्या शुभ नाम है, क्या लेके जा रहे हो ये? अच्छा, हगीज बाल को हगीज है। क्या शुभ नाम है आपका? निसार। निषाद साहब, चुनाव में आपको पता होगा ओवैसी साहब का भी उम्मीदवार यहाँ से आ गया, समाजवादी पार्टी पहले से है ही, और BSP भी है, और सिटिंग तो है ही, सतवीर त्यागी है ना शायद, जो सतवीर त्यागी ठीक है, बढ़िया सतवीर त्यागी ठीक है, BJP क्यों और बढ़िया काम है, ठीक है, अच्छा पड़ोसी है अपने। मुसलमान BJP को वोट देता है इतना? हाँ, क्या बात है, अच्छा, क्या परेशानी है? नहीं परेशानी नहीं, हम समझना चाह रहे हैं, हाँ, मतलब अब कई महीने से राशन फ्री दे रहे हैं, इनके कैमरे इनके चेहरे पे आए हैं, हाँ जी, हाँ राशन फ्री खिला रहे हैं, हाँ राशन दे रहे हैं, फ्री सगले काम फ्री कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप ओवैसी साहब ही जैसे कह रहे हैं कि BJP ठीक है, मतलब ओवैसी अपनी जगह है। अरे लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में जिस ढंग से मुसलमानों की लिंचिंग होती है, हरिद्वार में देखो धर्म संसद हो रहा है, वहाँ भी BJP का राज है, मुसलमानों के साथ ना इंसाफियाँ होती है ना, ठीक हो रहा, कोई दिक्कत ना है, तो जैसा कोई गलत करेगा वो गलत के साथ गलत होना चाहिए। अच्छा, और जो सही करेगा तो कह दिया वहाँ धर्म संसद में कि 20% मुसलमानों को मार दो और ये कर दो, तलवार चलाएगा वो मरेगा, जो सही होगा ना मरने का,
अच्छा। जो मुसलमान सही होगा आगे मरेगा। तो आप बीजेपी को कब से वोट दे रहे हो? पहले भी दी। अच्छा पहले भी दिए, चलो एक अच्छी बात है कि बीजेपी के वोटर। बीजेपी का अपना निजी ख्याल है, हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता की बात, लेकिन मुसलमान का किसी का भी ऐसा ख्याल नहीं है। हर मुसलमान पहले मुसलमान बाद में है, पहले भारतीय है। और यहाँ हमारा भारत स्वतंत्र देश है और जो है तो ये भी तो भारतीय है, ये थोड़ी नहीं भारतीय नहीं है अगर बीजेपी के साथ। हाँ ये भी इसीलिए कह रहे हैं कि उनका अपना ख्याल है बीजेपी वालों का कि ये मुसलमान है ये हिंदू है सांप्रदायिकता में बांटने का, लेकिन मुसलमानों के लिए तो सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय, चाहे हिंदू है सिख है ईसाई है बौद्ध जैन पारसी कोई भी है, हम सब भारतीय हैं। अब ये एक बार पीछे रुका एक मिनट कि आप इसी इलाके के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? जुबैर। जुबैर, जुबैर चुनाव में किधर हो, युवाओं का क्या रुख है यहाँ? अभी साइकिल पे चले हैं जी, हम तो साइकिल पे चले। हाँ जी, साइकिल वालों के साथ। साहब का भी तो उम्मीदवार है, युवा तो बहुत कहते हो, वैसे साहब की तरफ है ना? वैसे साहब की तरफ हम ना आए जी। क्यों? वोट काट रहे हैं हम कहीं। वोट काट रहे हैं? हाँ वोट काट रहे हैं। जीतने के लिए आए कि वोट काटने के लिए? वोट काट रहे हैं ना फिलहाल तो। कैसे वोट? क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान तो सब उनके साथ है ना साइकिल पे ही। कुछ मुसलमान है जैसे बरेली में, रामपुर बरेली में उधर है ना उनका दौर, तो हमारे इधर थोड़ी है। लेकिन यहाँ तो अभी हमें ऐसे भी दो मुस्लिम मिल गए जो बीजेपी के समर्थक है। वो इनके होते होंगे उनकी, हम नहीं है जी उनके समर्थक। हम तो वोट खड्डे में जाए या कहीं भी जाए साइकिल पर जाएगी हमारी। सुनिए अब ये कह रहे हैं वोट खड्डे में जाए कहीं जाए साइकिल, साइकिल क्यों हो तो आप मोटरसाइकिल पे, फिर साइकिल की बात क्यों कर रहे हो? घर खड़ी है, घर खड़ी है। और पतंग क्यों नहीं हो वैसी साहब की? तो पतंग ना, पतंग उड़ाते ना ना, पतंग दिक्कत है, पतंग से पतंग कहीं गिर जावे मंजा प्रॉब्लम करे ना, पतंग सही ना। नाम पतंग उड़ाते है? नाम पतंग उड़ाते। लेकिन वैसी साहब 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है 30-40-50 पे जीत जाएं और डिप्टी सीएम कहें बने किसी की सरकार हो, तो यही तो वो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी जब की जब देखेंगे, लेकिन अभी तक हमारा जो इरादा है वो साइकिल पर ही है, आगे जो घर वालों को मजबूरा हुआ है वो बता देंगे। साइकिल पर ही है। चलिए अब जरा इधर और कुछ नए लोगों से है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल समद। मोहम्मद अब्दुल समद। समद तो मोहम्मद अब्दुल आप बताओ यहाँ चुनाव में किधर रुख है आप लोगों का, कौन सी सरकार लगता है, कौन सा उम्मीदवार लगता है? हम तो अपनी साइकिल को लाएंगे जी। अपनी साइकिल को क्यों जी? हमें कुछ सरकार ने इतने दिया आज तक, जिस आदमी ने अपनी एक डुबकी के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हो वो देश का क्या भला करेगा, मुझे बताओ आप। किस चीज के लिए? एक डुबकी के लिए गंगा में डुबकी लगाई ना मोदी जी ने, 350 करोड़ रुपए खर्चा आया था, किस लिए करा वो? जनता से जी, ये कहाँ से हिसाब मिला 350 करोड़? अभी मैंने न्यूज देखी थी परसों की तरफ, वो बोल रहे थे कि एक जाली लगाने नीचे 2 फुट गड्ढे के लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए। आप ये बताइए क्या फायदा होगा इससे, सरकार क्या कर लेगी ऐसे, देश का भला थोड़ी होगा? तो डुबोने छक्कम लग रही सरकार ना आज तक, कोई भी सुविधा हमें कोई सुविधा नहीं दी किसी की चीज़, कारोबार लोग नहीं रहे बिल्कुल भी, कोई काम धंधा नहीं रहा, लोग बेचारे परेशान है बहुत। अब फिर लॉकडाउन की आशंका है, क्या करेंगे लोग बताओ आप, भूखे मरेंगे? गरीबों को तो वही कमाना वही खाना है। अरे लॉकडाउन तो बीमारी में लोग इतने मर रहे हैं, देखो मैंने जाइए लॉकडाउन में बीमारी मर रहे, लेकिन कुछ सरकार करेगी जब तो कुछ करेगी, कारोबार देगी जब तो कुछ करेगा आदमी, पिछले लॉकडाउन के भरता ही नहीं अब तक, दोबारा लगाने तैयारी चल रही है, बताओ आप गलत बात। लॉकडाउन तो बीमारी से बचाने के लिए जरूरी है, लॉकडाउन पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है, लॉकडाउन जरूरी है। अब सवाल उठता है आगे, चलो उससे अलग हम बात करते हैं कि MIM भी है यहाँ से, पतंग छाप ओवैसी साहब की पार्टी, BSP भी है और सपा शायद मंजूर है, तो आपने कहा साइकिल, तो पतंग क्यों नहीं? नहीं सर, पतंग अगर देखो हम एक तरफ नहीं हो पाएंगे तो एकजुट नहीं हो पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, सीधी सीधी बात है, अगर हम सपा के साथ तो सपा के साथ ही रहना सही रहता है, क्योंकि वो इतना ही नहीं वोट ले पाएगी, वो वोट काटने के लिए आ रही है ओनली, कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ। अरे जो जब जब देंगे वोट मिलके आप लोग तो जीत जाएंगे जी। बाइक ले जाओ, क्यों कर रहे हो? काटने के लिए आ रही है? काटने के लिए आ रही है क्योंकि जब सपा को दिख रहा है सपा हमारे साथ देगी हर काम में, सपा काम दिख रहा है, सपा हमारे ज्यादा वोट बना रही है तो हम क्या करेंगे बताओ सपा? अरे तो अब ऐसी करें, सपा ने मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों को ठगा है, सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने धोखा किया है, सिर्फ इस्तेमाल किया है, दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया और ऐसे ही जो है बैंड बाजा बजाने के लिए छोड़ दिया मुसलमानों को, यही तो कह रहे हैं वो, इसीलिए मुसलमान हमें वोट दें, हम मुसलमानों की रहनुमाई करके सत्ता में हिस्सेदारी दिलाएंगे। देखो आप मेरी बात सुनो, आपकी जो बात है मैं इतना इंटरफेयर नहीं करता किसी बीच में, नेतागिरी मुझे को मतलब नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि हाँ आपके सपा की सरकार आनी है तो आनी ही है बस। चलो ठीक, क्या करते हो आप? तो थोड़ा दिव्यांग हो। की मेरी बाइक स्पेयर पार्ट की शॉप है। चलो ठीक है, आप जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, कुछ और लोग इनको ले जाओ आगे। आपका क्या शुभ नाम है? परवेज नाम है। परवेज जी सर। तो परवेज
आपको क्या लग रहा है किसका माहौल बन रहा है? ओवैसी साहब का माहौल बन रहा है 100 सीटों पर यूपी में लड़ने वाले? नहीं सर, ओवैसी साहब का माहौल नहीं बन पा रहा है। अगर माहौल बनता तो वोट उनको देते, लेकिन माहौल ना बनने की वजह सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही माहौल बन रहा है, इसलिए हमें समाजवादी पार्टी के साथ ही रहने में बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है सर? बेनिफिट ये है कि सरकार आने से मतलब होता है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है और लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम की एक ऐसी वो बैठ गई है कि भाई ये मुसलमान है तो मुसलमान ही और हिंदू बस हिंदू है, देश को बचा लो, हिंदू एक हो जाओ। क्या आपसे पहले हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम नहीं रह रहा था? क्या मुसलमानों ने राज नहीं करा देश पे? कौन से हिंदू को मरवाया, कौन से को कटवाया, बताइए आप मुझे। लेकिन नहीं, बस हिंदू मुस्लिम करो वोट लो, ये किया है बीजेपी ने। इसलिए हर आदमी ये परिवर्तन चाहता है कि वोट चेंज हो जाए, सरकार बदल जाए। लेकिन ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को भी डराया जा रहा है, डरा कर उनका वोट लिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ओवैसी साहब अगर इस बात को कह रहे हैं कि डरा के वोट लिया जा रहा है, देश स्वतंत्र है, हर आदमी अपनी वोट का हक रखता है, अधिकार है उसको। आप वहाँ खड़े होकर थोड़ी ना देख रहे मैं किसको वोट दे रहा हूँ, वो तो मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ओवैसी साहब की बात गलत है, बिल्कुल नकारता हूँ मैं इस बात को कि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि वो डरा रहा है मुसलमानों को, डराया जा रहा है। नहीं कर रहे, ये सेकुलरिज्म फर्जी है, ऐसे सेकुलरिज्म के साथ बर्बाद हो रहे हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जो पिस रहा है वो सब पिस रहा है। अभी लॉकडाउन लगा, कारोबार हिंदू है मुसलमान सभी के बंद हुए हैं, ये नहीं कि मुसलमान के हुए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। लेकिन आप बताओ, जैसे यहाँ कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं बीएसपी के साथ, तो बीएसपी में क्या दिक्कत है? बीएसपी में क्योंकि बीएसपी का रुझान नहीं है, उछाल नहीं है इस वक्त। तो उछाल देख के जाते हो आप? उछाल जब पतंग उछाल उड़ाओगे तो पतंग उड़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मकसद होता है, मकसद है हिंदू मुस्लिम ना होना। बहन जी हम ये नहीं कह रहे उन्होंने कोई गलत किया, समाज सेवी अच्छी की है उन्होंने भी, सप्ताह अच्छी चलाई है। लेकिन इस वक्त हमें मकसद है सिर्फ अपने हिंदू मुसलमान भाइयों को एक होना, ना कि हिंदू मुस्लिम करना। तो एक कहाँ हो जाएंगे? बहुत सारे हिंदू तो बीजेपी के साथ हैं, यहीं से बीजेपी जीती। ऐसा तो सभी जगह होता है। यहाँ आपके मुसलमान भी कुछ बीजेपी के साथ हैं, 2-3 मिले इधर? कोई नहीं है। हाँ। ये सिर्फ दिखावा है। अरे दो लड़का था अभी यहाँ पे, कहाँ गया वो लड़का? है। हाँ। दिखावा है, है। लेकिन दिखावा है। अच्छा। दिखावा है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, दिखावा है। चलो एक मिनट रुक जाओ आप भाई साहब, एक मिनट, कहाँ भाग रहे हो? इधर 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 इधर। आपका क्या नाम? एक मिनट रुको ना भाई, हम बात करते हैं, रुको सबसे बात। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जफर याब है। आपका क्या रुख है इस बार? जफर याब, हमारा रुख ये है, हम भारतीय हैं और धर्म निरपेक्ष देश है ये, और धर्म जाति से ऊपर उठकर वोट करेंगे। अच्छा। और हमारा वोट बैंक जो वोट रहे हैं हम बहन जी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा, तो बहुजन समाज पार्टी के हो, और जहां हम पश्चिमी यूपी के जिस इलाके में हैं यहां से 3 बार जैसे सपा जीती पहले, अभी बीजेपी है, लेकिन इस बार एमआईएम भी है, तो एमआईएम क्यों नहीं? एमआईएम क्यों नहीं? दरअसल एक मिनट काट दो, बाद में बात कर लेना। अभी तो मुझे लगता है इधर कैंडिडेट ही नहीं है एमआईएम का। एमआईएम का कैंडिडेट आ गया है, कल अनाउंस हो गया, कोई तस्लीम नाम है शायद, क्या नाम है एमआईएम कैंडिडेट का? नहीं तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम तो बसपा से जुड़े हुए हैं ना। अभी एमआईएम को वोट देना, वोट खराब करनी है, खड्डे में डालनी है, उनका कोई अभी वजूद नहीं है। और मेरा नाम उमर फारूक मसूदी है, हमारे परिवार की 50 वोट हैं, सारी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बहन कुमारी मायावती जो जाएंगी, क्योंकि उनकी नीति सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है, यही हमें पसंद है। उन्होंने बलिदान दिया है जो है भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और जो है हम इसके लिए बलिदान क्या दिया, उन्होंने पूरे भारत में संगठन खड़ा कर रखा है, यदि उन्हें प्रधानमंत्री का मौका मिला तो भारत के लिए भी करेंगी और यूपी के लिए भी कराया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री का चुनाव सर्वजन सुखाय काम कराया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का नहीं हो रहा है, वो जब होगा तब देखेंगे और देखा जाएगा। अभी तो अब इधर सब लोग मत आना, मैं इधर आ रहा हूँ, फिर सब इधर मत आ जाना, फिर यहाँ कौड़ी वाले आए हैं, 4 लोग हैं जरा कौड़ी वाले ओरिजिनल, आप प्लीज आप लोग इधर मत आना, जो पवेलियन में हो पवेलियन में रहना। डॉक्टर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर इमरान। डॉक्टर इमरान, डॉक्टर इमरान, तो यहाँ किठौर में जो चुनाव हो रहा है एमआईएम सपा बसपा ओवैसी साहब, तो डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हो आप, क्या माहौल दिख रहा है मुसलमानों में इस बार? मुसलमानों में तो सपा का है, शायद मंजूर साहब का है, शायद मंजूर साहब जी का है, सपा का है, वोट तो साइकिल को ही जानी है।
क्यों डॉक्टर साहब साइकिल को क्यों दोगे, पतंग क्यों क्यों नहीं दोगे? नहीं नहीं पतंग को नहीं, उनसे क्या होता है जो है ना ओवैसी साहब, उनका वो जनादार है नहीं मुसलमानों में। दूसरी बात उनकी जो बातें हैं थोड़ी भड़कीली किस्म की, वो हम लोगों को पसंद है ही नहीं। हमें हमारा अगर कोई सुधार कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी है जिसमें हम लोगों का सुधार हो सकता। वे लोग हमारे हित की बात करते हैं थोड़ी सी, हमारे बारे में सोचते भी हैं, तो हम तो सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे। नहीं भड़कीली बात क्या करते हैं जरा ये समझाओ जरा। सर उनकी बातें होती हैं ऐसी हैं, अब वो एक मान के चलो हम मुस्लिम हैं, वो हमारे समाज की ही बात करेंगे ठीक है, लेकिन एक समाज से थोड़ी ना कोई सरकार बना लेगा। एक समाज से सरकार नहीं बनाता कोई, समाज तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनकी बातें होती हैं सिर्फ एक मुस्लिम समाज के लिए, हमारे बारे में ही बात करेंगे। समाज तो जो भी है सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब उनकी सरकार बन सकती है या कोई विधायक जीत सकता, उससे पहले कोई नहीं जीत सकता। लेकिन वो तो यही बात करते हैं ना कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हर पार्टी करती रही है। नाइंसाफ़ी तो हो ही रही है, ये तो सब देख रहे हो। 17 के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गई, जब से भाजपा आई है राज्य में तब से और ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ गई। 14 के बाद ही नाइंसाफ़ी होने लग गई थी, लेकिन अब कुछ और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन कुल मिला के बाद ये कि AIM का कोई जनाधार है नहीं अभी, जो भी है समाजवादी पार्टी का जनाधार। आप आपका क्या नाम है, आपसे बात हुई मेरी, क्या नाम है आपका? ताहिर, ताहिर नाम है। ताहिर साहब तो धीरे धीरे लोग ऐसे जुट गए हैं, तो ताहिर साहब आपने सुना डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? जी सही बता रहे हैं, ये जो सही बता रहे जी। मैं तो पूछ रहा हूँ पतंग है, हाथी है, साइकिल है, कमल है, नहीं चार चार विकल्प है। इस टाइम जो है हमें शाहिद मंजूर जी को ही वोट देनी है, शाहिद मंजूर जी ही कुछ कर पाएंगे आगे अखिलेश। शाहिद मंजूर मतलब अखिलेश की पार्टी के उम्मीदवार जो यहाँ 3 बार विधायक रहे उनका जी जी जी। लेकिन गठबंधन, हाँ लेकिन थोड़ा पीछे हटे रहो, लेकिन फिर वही कहूँगा ये ऐसा क्यों सोच रहे हो कि गठबंधन ही और वैसी क्यों नहीं? मेरा एक छोटा सा कारोबार है, जो मेरे पास में 25-30 कारीगर काम करते थे पहले, जब से BJP सरकार आई है आज के टाइम में 2-3 कारीगर काम कर रहे हैं, इतना काम खत्म हो गया। तो उसके लिए वैसी थोड़े जिम्मेदार है, मैं तो पूछ रहा हूँ बाजार में भी जब से BJP सरकार आई है तो ये जातिवाद के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि मुसलमानों के काम का विरोध करो, मुसलमानों से काम मत करो। बाजार में ये स्थिति है काम करने की, जो हम दुकानदारों के पास जाते हैं तो उनमें जो इस चीज़ का माहौल बन चुका है, अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान का नाम है, तो उससे काम मत करो। जैसे कि मैं एक राजनगर में एक दुकानदार के पास गया, मैंने उसे अपने सैंपल दिखाए, तो उन्होंने देखने के बाद जब नाम पूछा सब ठीक बता रहे थे कि सैंपल ठीक है, फिर उन्होंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने नाम बताया, तो उन्होंने ऐसे एकदम सैंपल मेरे ऐसे ही धक्का मार के हटा दिए काउंटर से, हटाओ हटाओ चलो जाओ। मैं सर क्या हो गया अंकल जी, क्या बात हो गई? न कुछ नहीं बस जाइए आप। तो मतलब नाम देखने से उन्होंने ऐसे मेरे पीस बेकार हो गए क्या? तो इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया है इन्होंने जब से आए हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, अखिलेश भी हिंदू हैं, वे कोई मुसलमान थोड़े ना है अखिलेश, लेकिन उनसे इस चीज़ पर कंट्रोल रहेगा, ये सोच हमारी है। ओवैसी साहब अगर जीत गए 25-30 सीट वो करें, चाबी हमारे पास रहेगी सत्ता की, डिप्टी CM कोई मुसलमान होगा? ओवैसी जी अच्छी बात है, मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन खाली एक ही आदमी से काम नहीं चलेगा। हमारा यहाँ जो UP का जो माहौल है तो इस तरीके का नहीं है जो खाली मुसलमानों से ही बन जाएंगे, ओवैसी जी नहीं बन पाएंगे। अच्छा ये बताओ, अब चूंकि आप दो लोग हो और भी लड़के हैं, जैसे मैं थोड़ा इधर रहो कोई बात नहीं, जैसे जब ये वीडियो हम डालेंगे और होगा कि किठौर में मुस्लिम बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि ओवैसी नहीं अखिलेश ठीक हैं या ओवैसी की कमियां जैसे बताए, तो ओवैसी के समर्थक सब लिखेंगे ये जुम्मन हैं, सब ये दरी बिछाने वाले हैं, तो ये जुम्मन और दरी बिछाने वाले क्यों कहते हैं? सर ये तो अपनी अपनी उनकी सोच है। दरअसल कुछ लोग कहते ना एकदम से अंधभक्ति, अब उसमें चाहे भाजपा के अंधभक्ति मान लो या AIM के अंधभक्ति मान लो, ये तो सब बात बनाने वाले बहुत लोग हैं। आपको पता है नहीं कि जुम्मन कहते हैं ये सब है? हाँ कहते हैं, लेकिन कहते रहो, सबकी अपनी सोच है। नहीं जुम्मन क्यों कहते हैं समझ में नहीं आता, वो कहते हैं जुम्मन मुसलमान है सब। नहीं अब ये थोड़ी ना है कि देखो वोट कोई दिखा के थोड़ी दी जाती है, अपनी आज़ादी है, किसी को भी वोट दे सकता है आदमी। अब कौन क्या कह रहा है इस चीज़ पर, क्या किसी की पाबंदी थोड़ी लगाई जाएगी? आपका शुभ नाम क्या है, क्या करते हो आप? शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब जोर से बोलो। शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन साहब आपने सुना डॉक्टर साहब और इनकी बात, तो आपको क्या जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अलग अलग तरह के लोगों की राय सुनी, आपका क्या नाम है?
है मेरा हो गया। आपका चलो। और मैं किठोर के इस गांव का नाम क्या है भाई, भूल जाता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, गांव का क्या नाम है? अतराड़ा। अतराड़ा गांव से और ऐसे ही चौक चौराहे पर लोगों से मिलते हुए यहाँ मेरी जो बात हुई आपने सुना समझा। और पहले दौर की जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें एक सीट ये भी है किठौर की। फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और इलाके में। नमस्कार।